मथुरा की थाना बलदेव पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने एटीएम कार्ड बदलकर ऑनलाइन फ्रॉड व साइबर अपराधों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी संख्या में एटीएम, आधार कार्ड व साइबर फ्रॉड करने के उपकरण आदि बरामद किए हैं। मथुरा जनपद की बलदेव पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीम ने एटीएम कार्ड बदलकर ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने फर्जी एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, साइबर क्राइम करने के उपकरण, लैपटॉप, माइक्रो एटीएम कार्ड मशीनें, कार्ड स्वाइप मशीन, पीओएस मशीन व अवैध शस्त्र कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी शातिर बेहद शातिराना अंदाज में लोगों को अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, क्राइम ब्रांच और बलदेव पुलिस के द्वारा एक ऐसे गैंग को वर्कआउट किया गया है जो कि एटीएम के अंदर लोगों का ध्यान आकर्षित करके और उनका जो है कार्ड जो है बदल लेते थे, और बदल करके उस कार्ड को ले जा करके इनके पास स्वाइप मशीन, पीओएस मशीन और ये इनके पास होती थी, क्योंकि इसमें से एक जो विक्रम शर्मा है वो पहले पेटीएम में काम भी कर चुका था, तो उस मशीन के जरिए ये जो है लोगों के खातों से पैसा जो है निकाल करके निकाल लेते थे। और कई इनके द्वारा घटनाएं की गई जिसमें से 4 घटनाएं जो है वर्कआउट हुई हैं और बाकी की तस्दीक की जा रही है। पहले कहां था वारदात को अंजाम देते थे? देखिए, बलदेव में इनके द्वारा वारदात की गई, थाना हाईवे क्षेत्र में इनके द्वारा वारदात की गई, जमुना पार में वारदात की गई। परसेंटेज के हिसाब से जिसका जो रोल होता था उस हिसाब से जो है ये पैसे को बांटता था, क्योंकि पीओएस मशीन इसी के पास होती थी और पैसा जो है यही निकालता था। ये लोग कार्ड लेकर के आते थे तो सबको उसके जैसे जैसे उसका रोल होता था उस हिसाब से पैसा बांटा जाता था। देखिए, उसकी जानकारी की जा रही है और उसका जो है हम लोग आगे इनके जो है मुकदमे में उस क्रिमिनल हिस्ट्री को भी देखिए। इनके पास से एक लैपटॉप, पीओएस मशीन, 4 स्वाइप मशीनें, मोबाइल फ़ोन और एक तमंचा 315 बोर का बरामद किया है। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।